हाई एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमाशंकर और आप देख रहे हैं मौर्य किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये शीशे वाला चूल्हा है। आज की इस वीडियो में इस शीशे वाले चूल्हे की फुल सर्विस करके मैं दिखाऊँगा इस चूल्हे को साफ कैसे करते हैं, मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये चूल्हा जल नहीं रहा है, ये भी नहीं जल रहा है, ये भी नहीं जल रहा है, ये जाम हो चुका है, अंदर से जाम हो चुका है। इसका जो ये बटन जिसमें घूमता है, ये कॉक में के इंटरनल पार्ट ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल जाम हो चुके हैं। गैस की सप्लाई ये आगे नहीं दे पा रहा है जेट के आगे, इसलिए दोनों ये इसके ऊपर जो बर्नर होता है वो जल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चूल्हे की साफ़ सफाई आज मैं करके दिखाऊंगा, इस चूल्हे की शीशे वाले चूल्हे की साफ़ सफाई कैसे करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को देख कर अपने घर के चूल्हे की शीशे वाले चूल्हे की आप सर्विस करके सर्विस खुद कर पाएंगे, साफ़ सफाई खुद कर पाएंगे। और चूल्हा यदि आपका नहीं जलता है तो इस वीडियो को देख कर आप बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये शीशा वाला चूल्हा जो आप देख रहे हैं टू बर्नर का है। इसके फीचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये स्टील का फ्रेम होता है चारों तरफ, देख रहे हैं ये स्टील का ये फ्रेम पतला लगा हुआ है चारों तरफ इस तरीके से, ये देख रहे हैं इतना चौड़ा, सामने भी लगा हुआ है, बैक में भी है, दोनों साइडों में भी है। तो इसके ऊपर ये इतना मोटा देख रहे हैं ये टफनर ग्लास ये लगा हुआ है, ऊपर से चिपकाया हुआ रहता है फ्रेंड्स, और इस तस्तरी के माध्यम से इस शीशे को जाम किया जाता है। उसके बीच में मिक्सिंग ट्यूब को जाम किया गया है तीन स्क्रू की मदद से, एक दो तीन, इधर भी तीन, इस मिक्सिंग ट्यूब को इसमें फिट कर देते हैं इस प्लेट में। और ये शीशा भी इसके सारे ये लॉक रहता है, इसके नीचे ये रबड़ लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का फीचर होता है इस चूल्हे में। यही ध्यान देना होता है कि गर्म चीज़ जैसे हम कुकर को इस पे हमारा खाना बन गया उतार कर इस पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो टूट भी सकता है वो। और ये फ्लावर्स यहाँ लिखा हुआ, फ्लावर नाम से ये चूल्हा है, नाम कोई भी हो, ब्रांड कोई भी हो, ISI मार्क है फ्रेंड्स। सबको इस मॉडल के चूल्हे को इसी तरह साफ सुथरा करना पड़ेगा जिससे हमारा अपना जल सके, यानी कि रिपेयर करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना देरी किए हुए, और इस शीशे वाले चूल्हे की साफ सफाई करके मैं आपको दिखाता हूं, रिपेयर करके दिखाता हूं। ये चूल्हा जल नहीं रहा है, दोनों बर्नर बिल्कुल नहीं जल रहा है, ये ब्लॉक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। इसका बैक फीचर फ्रेंड्स इस तरह से है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये बटन घूमता है, यहाँ काग लगा हुआ है, यानी कि ये हाई प्रेशर ये LPG वाल्व लगा हुआ है, इसमें बटन लगा हुआ है, यहीं से ऑन ऑफ होता है, और यहाँ से हमारी गैस की सप्लाई आगे बढ़ती है। देख रहे हैं एल्यूमिनियम की पाइप इसमें लगी होती है, यहाँ मिक्सिंग ट्यूब में आया, इसमें मिक्सिंग ट्यूब फ्रेंड्स ये तिरछा लगा होता है, ना कि इसमें से डायरेक्ट यहाँ लगा होता है, पाइप के माध्यम से दे दिए हैं इस चूल्हे वाले में। यहाँ से पतले ये चद्दर के लगे होते हैं ये कसने के लिए, यहाँ से यहाँ तक इस शीशा इस पर बेस बनता है, बैठता है, चार पत्तियाँ इसमें, इस बॉडी में यहाँ से स्क्रू के द्वारा ये फिट किए हुए हैं। तो इस पर ये गोल वाला प्लेट कसा होता है दो नट बोल्ट की सहायता से, यहाँ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इस स्टील प्लेट जो है इसमें देख रहे हैं तीन नट बोल्ट के सहारे ये मिक्सिंग ट्यूब बंधा हुआ रहता है, कसा हुआ रहता है। इस तरह का इसका फीचर रहता है। ये एल्युमिनियम आके यहीं पे इसके आगे ये जेट लगा हुआ है जहाँ से गैस की सप्लाई आगे बढ़ती है, यहाँ इसको स्क्रू से टाइट कर दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का फीचर रहता है, जैसे इधर है इधर बड़े वाले की तरफ भी इस तरह से फीचर आप देख रहे हैं, इस तरह से इस शीशे वाले चूल्हे में रहता है। यहाँ LPG वाल्व जिसको हम कॉक भी बोलते हैं, यहाँ से एल्युमिनियम पाइप लगा के यहाँ इस तरह से मिक्सिंग ट्यूब को सेट करके इधर से सप्लाई देते हैं, यहाँ जेट लगा होता है। तो चलिए इसकी साफ सफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये जो पाइप आपको लगा हुआ है सब जो स्टील वाला चूल्हा होता है उसी तरीके से सब फीचर है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चूल्हे को हम उल्टा कर लेते हैं। हमारा ये सप्लाई यहाँ से नहीं आगे बढ़ रहा है, इसी में ये जो LPG वाल्व है इसमें ये इसका जो सुराख इंटरनल सुराख होते हैं छोटे बड़े, वो दोनों ब्लॉक हो चुके हैं, जाम हो चुके हैं। इसमें भी वही हाल है फ्रेंड्स, कचरा वगैरह जाके इसमें ये सब फंस चुका है, जाम हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पाइपों के इनको निकाल लेना होगा। इस तरह से हम पतला सा तार का इतना मोटा वायर रखेंगे हर चूल्हे का पाइप साफ़ करने के लिए, मेन सप्लाई पाइप साफ़ करने के लिए इसको हम रखते हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वायर की मदद से इसके सप्लाई पाइप को हम, इसमें जंग वगैरह लगा होगा तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इसमें डाल के सप्लाई पाइप को इसमें डालेंगे, सप्लाई पाइप में इस वायर को डालेंगे इस तरह से पूरा, इस तरह से इसको आगे पीछे करके इसमें जो जंग वगैरह रहेगा निकल जाएगा, इस तरह से वायर को फिर निकाल लेंगे। फिर फ्रेंड्स, इसको खड़ा करके इस तरह से इसको दिखाता हूँ, इसमें जंग वगैरह भी निकलेगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके पाइपों से थोड़ा सा जंग निकला है, देख रहे हैं थोड़ा सा जंग ये निकला है। इस तरह से आप जंग को निकाल सकते हैं। तो हमारा ये पाइप क्लीन हो गया, इसमें ज़्यादा जंग नहीं है, और जंग होता है और वायर की मदद से इसको साफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा इसमें क्या करना होगा, इसकी सफाई करने के लिए सबसे पहले हम इस काग की सफाई करेंगे। तो
पतले पेचकस की मदद से इसका को यहाँ से खोल लेना पड़ेगा। यहाँ कटिंग बना हुआ देख रहे हैं, इस तरह से इसको खोल लेंगे। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इस स्क्रू को खोल लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं छोटे वाले की सफाई कर रहा हूँ। एक काग स्क्रू को मैंने खोल लिया, ये बटन और इसका स्पैंडल निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग को भी मैंने निकाल लिया। और अभी इसमें एक घूमने वाला भाग बचा है जिसमें दो सुराख होते हैं, देख रहे हैं ये निकल गया बाहर। तो थोड़ा चौड़ा वाला लेंगे और इसको निकालेंगे बाहर। ये देख रहे हैं इसमें ये घूमने वाला भाग पड़ा हुआ है, इस तरह से घूमता है ये, इसको निकालेंगे इस तरह से पेचकस की मदद से। इस तरह से ये बाहर आ जाता है, देख रहे हैं इसका ये सुराख वगैरह सब ब्लॉक है। इसको साफ करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर के पाइप को, इसके दोनों सुराख को क्लीन करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। उसको मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से कपड़े की मदद लेंगे, इस तरह से इसको अच्छी तरीके से साफ करेंगे। और इस LPG वाल्व को भी, इसके अंदर के भाग को भी अभी हम कपड़े की मदद से साफ करेंगे। पहले मैं इसी को साफ कर लेता हूँ। अब लकड़ी की सहायता से फ्रेंड्स, इस तरह से लकड़ी लेंगे आप, इसको कपड़े की सहायता से इस तरह से इसके पाइप को भी साफ करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। छोटा बड़ा सुराख दोनों साफ हो जाना चाहिए। बड़ा सुराख ये हमारा तेज करने पे काम करता है, फुल पे चलता है, इसमें से गैस चलती है। स्लिम करने पे, बिल्कुल स्लो कर देने पे छोटा वाला सुराख काम करता है, तेज पर ये बड़ा वाला सुराख काम करता है। इस तरह से दोनों सुराख काम करते हैं। तो चलिए दोनों सुराखों की अच्छी तरह से मैं सफाई कर देता हूँ। तो इस तरह से लकड़ी की मदद से आप साफ कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह से कचरा नहीं है, किसी किसी चूल्हे में बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स, फिर भी इसका दोनों सुराख काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक था, ये साफ़ हो गया फ्रेंड्स। और इसके पीछे का भी, इधर का भी हम साफ करेंगे, इसमें जो कचरा वगैरह है ये बिल्कुल साफ़ हो गया। स्टोव पिन की मदद लेंगे फ्रेंड्स, ये छोटा वाला सुराख को हमेशा स्टोव पिन की मदद से इस तरह से इसको साफ़ करते हैं। आप दुकान पर रखिए स्टोव पिन को, इस छोटे वाले सुराख में स्टोव पिन की मदद से, इसका पतला सुराख होता है, तो इसको हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे फटाफट। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ये साफ़ हो गया। धीमा करने पर हमारा बुझेगा नहीं, यदि ये सुराख आप अच्छी तरह से नहीं साफ करते हैं, तो जब आप चूल्हा स्लो करेंगे बिल्कुल स्लो, तो आपका चूल्हा बुझ जाएगा, सिर्फ तेज करने पर ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान देना है, इसकी सफाई अच्छे से कर लेनी है। तो स्टोपिंग की मदद से मैंने इसके सुराख को साफ़ कर दिया है, इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी। और फ्रेंड्स, अब इसको जो है साफ़ कर लेते हैं। कॉक के अंदर के भाग को इस तरह से पेचकस की मदद से इस तरह से घुमाएंगे, कपड़ा धुनेगा तो साफ होगा। कपड़ा पेचकस दोनों घूमना चाहिए, पहले कपड़े को इस तरह से कपड़ा निकालेंगे, पेचकस की मदद से इस तरह से कपड़ा भी घूमेगा, तो अंदर का कचरा ग्रीस वगैरह जो भी है सब साफ हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इस तरह से इसको साफ कर लेंगे। इसको देख लेंगे एक बार, देखिए फ्रेंड्स, एकदम ये साफ़ हो गया, अंदर का दिख रहा है, क्लीन हो गया है। इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे, कुछ उसमें हो तो निकल जाए। बस इतना करने के बाद ये हमारा साफ़ हो गया। अब क्या करना है इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद बटन के स्पैंडल को भी साफ़ कर देंगे। बटन का ये जो स्पैंडल लगा हुआ, इसमें सुराख रहता है स्क्रू लगने के लिए, इस सुराख को भी साफ़ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक तरफ ये चौड़ा होता है, तो चौड़ा भाग ऊपर की तरफ रख के लगाएंगे तभी स्क्रू बैठेगा, एक तरफ पतला हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस काग स्क्रू को भी साफ़ कर लेंगे, यानी कि वाल्व का स्क्रू है ये। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ग्रीस लेंगे, ग्रीस को थोड़ा सा लेंगे, इतना फिर डिब्बी आती है, ग्रीस आप रखेंगे अपनी दुकान पर। इसके ऊपर स्पैंडल जो ये घूमता है, काग के अंदर का ये मुख्य भाग है, मूविंग पार्ट, इसको आप पिस्टन भी बोल सकते हैं। पिस्टन जो है घूमता है लाइनर में, तो इस तरह से ये हल्की सी परत इसको लगा देंगे, लुब्रिकेंट ग्रीस इस तरह से लग गया चारों तरफ। अब इसको फ्रेंड्स क्या करना है, बिल्कुल इसका ये ऊपरी भाग देख रहे हैं खांचा, ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ये यहीं से स्क्रू बैठेगा। इस तरह से इसको ऊपर की तरफ करके डालेंगे, देख रहे हैं मैं ऊपर ही किया हूँ, इस तरह से इसको डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, उसके बाद स्प्रिंग को डालेंगे, उसके बाद इसका सुराख, मोटा वाला सुराख पतला इधर, इधर मोटा सुराख, इसको मोटा वाला सुराख ऊपर करेंगे, इसको डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जिस तरह से आप खोले थे, इस सुराख को सीध मिला करके इस सुराख को यहाँ लगाएंगे, सॉरी स्क्रू को लगाएंगे, और पतले पेचकस की मदद से इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। जब ये ठीक सीध में रहेगा तो आसानी से बैठ जाएगा, सीध में नहीं रहता तो उसको सीध में आप कर लीजिए। आपसे एक बार में नहीं बैठता है तो दो तीन बार ट्राई करिए, बैठ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है, ये लग गया। अब ये बटन
आसानी से ये घूम रहा है, बिल्कुल फ्री भी हो गया है, थोड़ा ये भी टाइट था ये भी जान था, एकदम इजली वेरी सरल तरीके से घूम रहा है। इसका ये सर्विसिंग हो गया, फिर सफाई हो गया। अब इस आगे के भाग को हम साफ़ करेंगे, कैसे साफ़ करेंगे जेट वगैरह को अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, बने रहिएगा फ्रेंड्स। जिस तरह से मैंने इस काक का, इस वाल्व का रिपेयर किया, साफ़ सफाई किया, ग्रीसिंग वगैरह किया, ठीक उसी प्रकार से इस बड़े वाले का भी आप सर्विस रिपेयर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ खोलकर। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है, स्क्रू को निकाल दिया खोल करके, स्पैंडल और बटन बाहर आ गया। बड़े वाले को हम ठीक जैसे भी मैंने रिपेयर करके आपको दिखाया, छोटे वाले को इसको ठीक उसी प्रकार से इसकी साफ़ सफाई करेंगे और ग्रीसिंग वगैरह करके बिल्कुल उसी तरह से लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी कचरा है, इसको हम पहले साफ कर लेंगे, नहीं तो ये अंदर चला जाएगा। पहले हम इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये सब इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे कपड़े की मदद से। इसको मैंने साफ़ कर दिया, अब इसमें घूमने वाला भाग स्पैंडल रह गया फ्रेंड्स, उसको भी मैं इस पेचकस की मदद से इतना से निकालूंगा। देखिए बाहर आके इसमें ये सब देखिए ब्लॉक हो चुका है दोनों सुराख, अंदर भी कुछ कचरा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। ये जो एलपीजी वाल्व है यानी कि कॉक इसको बोलते हैं, इसके अंदर के भाग को साफ करना होगा। इस तरह से कपड़ा लेंगे साफ, इस तरह से लगाएंगे पेचकस की मदद से, इतना चौड़ा पेचकस, इसको घुमाएंगे, कपड़ा भी घूमेगा, अंदर का कचरा देख रहे हैं इस तरह से निकल रहा है। दो तीन बार करने पर ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है फ्रेंड्स, ये निकल रहा है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से अंदर के कचरे को और साफ कर लेंगे, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख लेंगे आप, अंदर बिल्कुल क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स। इसको इस तरह से करके कुछ अंदर को तो निकल गया, नहीं तो जेट में जाके फंसेगा भी। एक बार और मैं कपड़ा लगा के इसको साफ कर देता हूँ। साफ हो गया है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इसके इस भाग को साफ़ कर लेंगे जो बटन में लगा हुआ, इसमें दो सुराख एक होता है, लकड़ी की मदद से इस सुराख को भी क्लीन कर लेंगे। इस चौड़ा वाला सुराख ऊपर रखना है तभी स्क्रू बैठेगा। उसके बाद स्प्रिंग में एक कचरा लगा हुआ है, इसको भी साफ़ कर लेंगे, और स्क्रू में भी कचरा लगा हुआ है, काग स्क्रू है, पेपर स्क्रू को इसको बोलते हैं, ब्रास का होता है ये भी। अब इसको मुख्य भाग जो है ये पिस्टन कह लीजिए आप, घूमने वाला भाग ये है, उसके बाद ये गैस को कंट्रोल करता है तेज़ धीमा, इसी से हमारा चूल्हा चलता है फ्रेंड्स। इसमें छोटे बड़े दो सुराख होते हैं, तो उस सुराख से आप जो है गैस की सप्लाई जिस तरह से हम तेज करते हैं, तो बड़े सुराख से सप्लाई आगे बढ़ती है, धीमा कर देते हैं तो छोटे सुराख से सप्लाई आगे बढ़ती है। इस तरह से इससे काम होता है फ्रेंड्स, इस तरह से घूमता है बटन के सहारे। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, इन दोनों सुराखों को साफ़ करेंगे, इसके अंदर वाला ये जो मुख्य सुराख इसको भी साफ़ कर लेंगे। तो इसको मैं फटाफट साफ़ कर लेता हूँ। तो शीशे वाले चूल्हे की साफ़ सफाई करना आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे, तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए दोस्तों। मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, वीडियो बनाता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप इस लकड़ी की मदद से कपड़े का सहारा लेते हुए इस तरह से अंदर के सुराख को भी साफ़ कर लेंगे। ये जिसमें पाइप नुमा अंदर का भाग है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया, ये दोनों क्लीन हो गए बिल्कुल। पीछे वाले इस खांचे को साफ़ कर लेना है, इस तरह से मोटा वाला पेचकस लेंगे और इस तरह से इसमें जो कचरा वगैरह फंसा हुआ है इसमें स्प्रिंग बैठता है, इसको हम साफ़ कर लेंगे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ये क्लीन हो गया, अब क्या करना है, स्टोपिन की मदद से फ्रेंड्स हमको छोटा वाला सुराख हमेशा ध्यान रखना है। स्टोपिन की मदद से छोटे वाले सुराख को जब हम चूल्हा धीमा कर लेते हैं बटन से, फुल स्लो कर देते हैं, तो इसे छोटे वाले सुराख से सप्लाई हमारी आगे बढ़ती है और चूल्हा हमारा धीमा तभी चलता है। तो फ्रेंड्स इसको इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ ठीक इसी तरह से स्टोव की पिन की मदद से आप इसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन हो गया फ्रेंड्स। अब वही ठीक उसी तरह से ग्रीस की बारी है, इसमें ग्रीस लगाएंगे हम, ग्रीस की डिब्बी से थोड़ा सा ग्रीस लेंगे, जितना पतला हो सके उतना पतला इस पे ऊपर ग्रीस को लेप देंगे। तो इस तरह से मैंने ग्रीस को लगा दिया है, देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हमारा लग गया। चारों तरफ बराबर से लगा देने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करना है, देख रहे हैं ये खांचा इसका, ये पिस्टन का ये खांचा ऊपर वाला ऊपर रखना है, ऊपर रखते हुए इसको हम इसमें डालेंगे जिससे हम स्क्रू को बैठा सकते हैं, देख रहे हैं कटा वाला भाग ऊपर ही रखना है। उसके बाद इसमें स्प्रिंग डाल लेना है, स्प्रिंग के बाद इसमें एक तरफ पतला सुराख होता है एक तरफ चौड़ा, तो चौड़ा वाला ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हम इसको सीध में लाएंगे, इसके सीध में, और स्क्रू को जो है
इसमें डालेंगे और पतले पेचकस की मदद से हम इसको कट कर देंगे। तो आसान तरीके से लग जाएगा, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रू लग गया फ्रेंड्स। और बॉडी में इसके जो कुछ कचरा लगा हुआ है इसको साफ कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको साफ कर दिया। अब ये देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से मूव कर रहा है इसका। अब क्या करना होगा, अब हमें यहाँ तक एक क्लीन हो गया दोनों, इसको मैंने साफ कर दिया, सर्विस कर दिया, सफाई कर दी, ग्रीसिंग वगैरह कर दिया। अब इसमें कुछ कचरा ना फंसा हो जब तक, तो इस पाइप को हम साफ कर लेंगे। इसके लिए इसमें गैस की सप्लाई लगा देंगे, इसमें गैस की सप्लाई पाइप से जोड़ देंगे, उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे, जेट को खोल देंगे, वहाँ से गैस चालू कर देंगे, यहाँ से दोनों बटन चालू कर देंगे फुल पर, और यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगी, जो कुछ इसमें फंसा रहेगा बाहर निकल जाएगा, तब उसके बाद हम जेट को लगा के बांध देंगे, हमारा चूल्हा रिपेयर हो जाएगा। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसको स्क्रू को खोल लेता हूँ, उसके जेट को भी खोल लेना पड़ेगा। देख रहे हैं इस स्क्रू को खोल लिया मैंने, इसको साइड में रख देता हूँ, उसके बाद इसको आराम से हम निकाल लेंगे। पाइप को मुड़ना पड़ेगा, देख रहे हैं इस तरह से मैंने हिलाया, ये इस तरह से निकल रहा है, तिरछा करके हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से, ज़्यादा नहीं इधर उधर करना, नहीं तो टूट सकता है। देख रहे हैं अब इसमें ये जट लगा हुआ है फ्रेंड्स, आगे ये जट लगा हुआ है, मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये जट लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसको खोल लेना है, बहुत ध्यान से खोलना है, यदि ये इसमें टूट गया कसते टाइम खोलते टाइम तो दिक्कत हो जाएगी, ये पाइप ही आपको पूरा नया लगाना पड़ेगा। तो इसका जट का सुराख भी ये बंद हो चुका है, इसमें फ्रेंड्स ये 58 नंबर लगा हुआ है छोटे वाले की तरफ, तो 58 नंबर अभी मैं नया लगा दूंगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी बाहर निकाल लेना है, इसमें का स्क्रू गिर गया फ्रेंड्स, दूसरे वाले को मैं बहुत हार्ड है, इस तरह से देखिए ये निकल गया, दूसरा वाला भी, इसमें भी जट लगा हुआ है, इस जट को हम खोलेंगे। इस जेट को खोलने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जेट को खोल लिया है, ये देख रहे हैं, इसको देख लीजिए कितने नंबर का है, 77 नंबर लगा हुआ है, तो हम 77 नंबर इधर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्या करना है, अब इसको गैस की सप्लाई देना है, यहाँ से गैस की सप्लाई देंगे और इसको ऑन करेंगे, और यहाँ से तेज़ी से गैस निकलेगी, तो जो अब इस वाल्व के आगे जो इस पाइपों में कचरा होगा यहाँ से बाहर आ जाएगा जंग वगैरह, उसके बाद हम नया जेट को लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने देखिए गैस के पाइप को जोड़ दिया है, और यहाँ से सप्लाई अब इसमें देंगे, और इसके पाइपों में जो कुछ जंग वगैरह होगा यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैंने यहाँ रेगुलेटर ऑन कर दिया है, आप देख रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ से मैं इसको चालू कर देता हूँ। देख रहे हैं गैस की सप्लाई आ रही है फर्स्ट क्लास, इसमें जो जंग वगैरह सब सब निकल गया, कुछ नहीं है, बढ़िया से गैस की सप्लाई आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, दूसरे वाले को भी इसी तरह से साफ कर लेंगे। यहाँ से मैं गैस की सप्लाई चालू करता हूँ, देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से गैस निकल रही है, इसका मतलब ये पाइप हमारा साफ हो गया, मैंने गैस को बंद कर दिया। अब यहाँ से इसको सिलेंडर से बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स, और इसमें हम नया जेट लगाएंगे, इधर 58 नंबर, इधर 77 नंबर बड़े की तरफ फ्रेंड्स, इसको फटाफट हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं 58 नंबर जेट को निकल रहा हूँ, ये देखिए 58 नंबर है, तो नया जेट हो चाहे पुराना हो, सॉरी नया जेट है तब भी इसके सुराख को एक बार हम देख लेंगे, मैंने इसके सुराख को देख लिया क्लीन है, अभी कभी सुराख बंद रहता है। अब इधर मैं छोटे की तरफ ये लगा रहा हूँ, देख रहे हैं 58 नंबर, इस जेट को केयरफुल्ली टाइट करेंगे छोटे से रिंच की सहायता से, मैंने इसको देखिए टाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं टाइट करना, टूट जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इसको लगा देंगे, इस तरह से पाइप को फोल्ड करेंगे थोड़ा, इस तरह से दबा देंगे, सीधा हो जाएगा, इस तरह से पाइप को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से मोड़ है इसको सही करेंगे, यहाँ ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से देखिए सीधा हो गया। अब यहाँ स्क्रू जो लगा था उस स्क्रू को टाइट कर देंगे, यहाँ देखिए स्क्रू लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ टाइट कर देता हूँ, इसको हमारा लग गया, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। अब इस स्क्रू को मैं यहाँ टाइट कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरह जेट लग गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसी तरह से इधर भी बड़े की तरफ भी हम जेट को लगाएंगे, और इसके सिलेंडर के पाइप को फिट करेंगे, मैंने 77 ले लिया है, अब 77 को लेके हम इधर लगा देंगे। तो 77 का भी सुराख एक बार देख लेते हैं फिजिकली, सुराख मैंने देख लिया फ्रेंड्स, ये सही है, इसको केयरफुली इसको भी टाइट करना है, इस तरह से इसको लगा दिया है मैंने। और फ्रेंड्स फिर इस एल्युमिनियम पाइप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक इसके सीध में लाएंगे, और इस तरह से इसको इसमें डालेंगे, यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे, पहले यहाँ से इस तरफ खींचेंगे तो इधर घुसेगा, वो आप अपने तरीके से लगा लेंगे, फिर इसको इस तरह से ले जाएंगे, इस तरह से मोड़ना कि कहीं ज़्यादा एकाएक फोल्ड ना हो जाए,
देख रहे हैं ये लग गया, इसका स्क्रू गिर गया है, नहीं तो स्क्रू में टाइट कर देता, फिर भी ये फंसा रहेगा, ये निकल नहीं सकता है, पाइप में तनाव काफ़ी है। फिर से अच्छी तरह से लग गया। अब हमारा ये चूल्हा जिनको मैं हटा देता हूँ, ये चूल्हा देख रहे हैं ये बिल्कुल रिपेयर हो गया फ्रेंड्स। इस मिक्सिंग ट्यूब में हमने देख लिया था इसमें पाइप में कुछ फंसा नहीं था, इसको भी आप देख लेंगे इसमें कुछ फंसा होगा, तो इस पेचकस की मदद से इस तरह से साफ कर देंगे बिना इसको खोले हुए। इसमें काफ़ी जंग लग गया, काफ़ी खुलता नहीं है, इसको इसी तरह से साफ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं जला के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसका बर्नर कस्टमर लाए नहीं है, इसमें अलग टाइप का बर्नर लगता है, तो आप दुकानदार हैं बर्नर ही रखें, मेरे पास बर्नर है लेकिन इस साइज़ का बर्नर ख़त्म हो गया है। तो चलिए मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। धीमा करने पर नहीं जलना चाहिए, तेज करने पर भी जलना चाहिए, खासकर तेज करने पर तो जलेगा ही, धीमा करने पर नहीं जलना चाहिए, हमारा चूल्हा चेक हो जाएगा। मैंने वहाँ से गैस को चालू कर दिया है, मैं माचिस की तीली ले लेता हूँ, बिना बर्नर का ही मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको माचिस की तीली को मैंने जला दिया है, यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से फ्लेम निकल रहा है, इसको धीमा करेंगे क्योंकि फ्लेम जल रहा है, इसका मतलब हमने साफ़ सफाई अच्छी तरीके से किया, तेज कर दिया मैंने, धीमा कर दिया तब भी चल रहा है, तेज करेंगे तब भी चल रहा है, ये ओके है बिल्कुल। बिना बर्नर का भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने चूल्हे को। तो दोस्तों छोटे वाले को मैं भी इसी तरीके से चेक कर लेता हूँ, देख रहे हैं तेज करने पर सही जल रहा है, धीमा करेंगे तब भी जल रहा है, तेज करेंगे फिर जलने लगा, धीमा करेंगे तब भी जल रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये इसका साफ सफाई भी सही से हुआ है, कहीं सप्लाई बाधित नहीं है फ्रेंड्स, देख रहे हैं धीमा कर दिया जल रहा है, तेज कर दिया जल रहा है, बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों इस तरह से शीशे वाले चूल्हे की साफ़ सफाई आप करेंगे, चूल्हे वाले सर्विस शीशे वाले चूल्हे की आप सर्विस कर सकेंगे इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों आपके घर में शीशे वाला चूल्हा है, किस तरह से केयरफुली आप इस वीडियो को देखकर साफ़ सफाई करें। तो दोस्तों मिलता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।